नागौर के डिडवाना के इमरान हत्याकांड मामला मोर्चरी में रखा हुआ है। तीन दिन से मृतक का शव, आपको बता दें, परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम हो चुका है। परिजन आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। दबंगों के हमले में घायल होने के बाद युवक की मौत हुई थी। भारी भरकम ब्याज तले दबे परिवार का, आपको बता दें, यहाँ पर हमला किया गया था। तोशीणा गाँव का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनीश खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनीश, क्या कुछ पूरा ये मामला रहा, विस्तार से बताएं। देखिए आयुषी, ये लगभग 8 महीने पुराना मामला है, जब लेन देन की बात पर भारी भरकम ब्याज के नीचे दबे परिवार को मकान खाली करवाने के लिए उसी हमले में घायल इमरान की 3 दिन पहले इलाज के दौरान मौत हो गई जी। उसके बाद परिजन शव लेने पे आए हुए कि शव तब तक नहीं लेंगे जब तक हत्या का मामला दर्ज नहीं होगा और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही वो मृतक के लिए कुछ राहत की भी बात कर रहे हैं कि उसको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अभी तक उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया। मौके पे गए जरूर है, अभी हमारी एडिशनल SP विमल लेहरा से बात हुई है, उन्होंने ये कहा दर्ज हो चुका चालान भी हो गया था, अब हम पोस्टमार्टम का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्या का मामला होगा, और बातचीत उनसे जारी है, देखते हैं कि शाम तक निस्तारण करवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जी। शुक्रिया अनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।